नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभे आपके साथ। चिराग पासवान ने बिहार की सरकार को लेकर एक बड़ा बयान एक बार फिर से दे दिया है। जी हां, आपको बता दें कि आज लोजपा का 20वां स्थापना दिवस था, जिसको लेकर पार्टी कार्यालय में बैठक की गई। उस दरमियान चिराग पासवान ने कई सारी बातें कही और ये भी कह दिया कि बिहार में सरकार कभी भी किसी भी वक्त गिर सकती है, इसलिए हम पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं और 243 सीटों पर हम लड़ाई लड़ेंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा कि मैं बिहार की जनता को धन्यवाद देने के लिए यात्रा निकालूंगा, बिहार के दौरे पर जाऊंगा। और साथ ही साथ ये जब उनसे मीडिया कर्मियों ने पूछा कि बीजेपी की तरफ से सुशील मोदी को राज्यसभा की सीट के लिए खड़ा किया गया है, तो इस पर भी चिराग पासवान ने कहा कि ये उनकी मर्जी है कि उन्हें किसे उतारना है। और साथ ही साथ जब तेजस्वी यादव को लेकर जो कल उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान निजी हमला किया है नीतीश कुमार को, उसकी बात पूछी गई तो उस पर भी चिराग ने कहा कि ये वाकई मर्यादा का उल्लंघन है, इस तरह के शब्द का प्रयोग उन दोनों में से किसी को भी नहीं करना चाहिए था। और क्या कुछ चिराग पासवान कह रहे हैं आप सुन लीजिए, और साथ ही साथ ये भी देखिए कि किस तरीके से चिराग पासवान लोजपा जिंदाबाद के नारे लगवाते नजर आ रहे हैं। तो पार्टी के लोगों को मैंने ज़रूर इस बात के लिए मैंने आग्रह किया कि तमाम सीटों पर अपनी मजबूत तैयारी रखें, कभी भी चुनाव धन्यवाद यात्रा का कब जा रहे हैं उस पर। इस तरह की हम लोगों ने चर्चा देखी है, दूसरे के ऊपर इतने ज्यादा व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, जहाँ पर भाषा की मर्यादा किया गया। मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र के ये उचित है। व्यक्तिगत टिप्पणी राजनीति में मैं हमेशा मैं कहता हूँ कि आप नीति का विरोध कीजिए, नीतिगत मामलों में आप अपनी बातों को रखिए, पर अगर इस तरीके से व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप होते हैं, एक दूसरे के परिवार के अगर इसमें घसीटा जाता है, मुझे लगता है ये उचित। राज्यसभा सीट राज्यसभा सीट के लिए कैसे देख रहे हैं सर आप? अरे 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 निकलने दीजिए इनको। इस चीज को लेकर हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की पार्टी पूरी तरीके से स्वतंत्र है कि अपनी तरफ से वो किनको प्रत्याशी बनाना चाहते हैं। इस मंच पर हमारे बिहार प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा जी, इस मंच पर हमारे महानगर का अध्यक्ष भाई दिनेश राज पासवान जी, इस महा